देखिए, जालौर से जो सीट है ये पिछले 20 साल से बीजेपी जीतती आ रही है। एक मुश्किल सीट है कांग्रेस के लिए और मुझे पार्टी ने निर्देश दिया कि मुझे यहाँ से चुनाव लड़ना है, मगर सब कांग्रेस जनों ने, मैं परिणाम चाहे कुछ भी रहे हूँ, मगर सब कांग्रेस जनों ने यहाँ पे, हम लोगों ने एक अच्छा चुनाव लड़ा, अच्छा बेहतर प्रबंधन से चुनाव लड़ा, तमाम लोगों ने बेहतरीन काम किया, परिणाम भले ही हमारे पक्ष में नहीं आए। और आगे की रणनीति ये है कि हम लोग तमाम लोग यहाँ जनता के सुख दुख में मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। आपको पिछले दिनों भी ध्यान होगा, उडवाड़ा जो प्रकरण हुआ उसमें भी मैं सबसे पहले पहुँचने वालों में से था और दूसरी बार भी जाके आया, और भी जहाँ पे जनता की आवाज़ बनने के लिए मुझे खड़ा होना पड़े मैं जरूर हमेशा खड़ा रहूँगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। साथ ही आदरणीय लुम्बाराम जी को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो जिस तरीके से जनता ने उनको चुना है, उम्मीद करता हूँ मैं कि आने वाले वर्षों में वो इस क्षेत्र जो पिछले 20 साल से पिछड़ता आ रहा है, अब वो इसकी सुध लेंगे इस क्षेत्र को, क्योंकि देश की संसद में वो पहुँचे हैं, तो निश्चित तौर पे इस जालौर सिरोही संसदीय क्षेत्र की आवाज़ बन के वो देश की संसद में आवाज़ उठाएं, यहाँ की समस्याओं के लिए मांग रखें, इस क्षेत्र में जो तकलीफें हैं, जो समस्याएं हैं, उसको वो सांसद के रूप में, उनका देश की संसद में आवाज़ बन के इस क्षेत्र की जनता को राहत पहुँचाएं। और मैं भी विपक्ष के तौर पे जहाँ भी मेरी ज़रूरत होगी विकास के लिए, जिस क्षेत्र में मैं अपने कोई योगदान दे सकूँगा जनता को, हमेशा मैं विपक्ष के तौर पे भी जनता के सामने खड़ा रहूँगा। ये मैं आप सबको कहना चाहता हूँ। वैसे राज्य में देखिए, जालौर से जो सीट है ये पिछले 20 साल से बीजेपी जीतती आ रही है। एक मुश्किल सीट है कांग्रेस के लिए और मुझे पार्टी ने निर्देश दिया कि मुझे यहाँ से चुनाव लड़ना है, मगर सब कांग्रेस जनों ने, मैं परिणाम चाहे कुछ भी रहे हूँ, मगर सब कांग्रेस जनों ने यहाँ पे, हम लोगों ने एक अच्छा चुनाव लड़ा, अच्छा बेहतर प्रबंधन से चुनाव लड़ा, तमाम लोगों ने बेहतरीन काम किया, परिणाम भले ही हमारे पक्ष में नहीं आए। और आगे की रणनीति ये है कि हम लोग तमाम लोग यहाँ जनता के सुख दुख में मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। आपको पिछले दिनों में ध्यान होगा, उडवाड़ा जो प्रकरण हुआ उसमें भी मैं सबसे पहले पहुँचने वालों में से था और दूसरी बार भी जाके आया, और भी जहाँ पे जनता की आवाज़ बनने के लिए मुझे खड़ा होना पड़े मैं जरूर हमेशा खड़ा रहूँगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। साथ ही आदरणीय लुम्बाराम जी को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो जिस तरीके से जनता ने उनको चुना है, उम्मीद करता हूँ मैं कि आने वाले वर्षों में वो इस क्षेत्र जो पिछले 20 साल से पिछड़ता आ रहा है, अब वो इसकी सुध लेंगे इस क्षेत्र को, क्योंकि देश की संसद में वो पहुँचे हैं, तो निश्चित तौर पे इस जालौर सिरोही संसदीय क्षेत्र की आवाज़ बन के वो देश की संसद में आवाज़ उठाएं, यहाँ की समस्याओं के लिए मांग रखें, इस क्षेत्र में जो तकलीफें हैं, जो समस्याएं हैं, उसको वो सांसद के रूप में, उनका देश की संसद में आवाज़ बन के इस क्षेत्र की जनता को राहत पहुँचाएं। और मैं भी विपक्ष के तौर पे जहाँ भी मेरी ज़रूरत होगी विकास के लिए, जिस क्षेत्र में मैं अपने कोई योगदान दे सकूँगा जनता को, हमेशा मैं विपक्ष के तौर पे भी जनता के सामने खड़ा रहूँगा। ये मैं आप सबको कहना चाहता हूँ। वैसे राज्य